प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस थीम के तहत आज हम बात करेंगे कि नींद का आना, अच्छी नींद का आना और अच्छी नींद करना बीमारियों से बचने के लिए कितना ज़रूरी है। पिछले वीडियो में जो हमने आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था कि हमें कैसे बीमारियों से बचना चाहिए, क्या क्या हमने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अच्छी नींद करके या अच्छी नींद के आने से कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये देखा गया है कि जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है या जो लंबी देर के लिए अच्छी नींद नहीं करते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे हार्ट से संबंधित डिजीज, जैसे पैरालिसिस, जैसे डिप्रेशन, जैसे सिर दर्दें, जैसे बीमारियों से लड़ने की जो हमारी क्षमता होती है, खासकर इन्फेक्शन वाली बीमारियों से, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, इनसे जो लड़ने की क्षमता हमारी होती है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो भी इम्पेयर हो जाती है, वो भी ख़राब हो जाती है उन लोगों की जो अच्छे से सोते नहीं हैं। मोटापा बढ़ जाता है ऐसे लोगों में जो ठीक से सोते नहीं हैं। इनमें और भी जितने किसी भी बीमारी का नाम लीजिए वो होती हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ती है उन लोगों में जो अच्छे से सोते नहीं हैं या इनको अच्छे से नींद नहीं आती है। तो अच्छी नींद वही होती है ना हम ज़्यादा सोएं, वो भी ख़राब नींद है, अगर हम कम सोएंगे वो भी ख़राब नींद है। कम नींद का मतलब है आम तौर पर एक एडल्ट के लिए 6 घंटे से कम नींद अगर हो उसको अच्छी नींद नहीं कहते हैं। और नींद रात की होनी चाहिए, रात की नींद बढ़िया मानी जाती है, दिन की नींद नहीं। इसी तरह से अगर रात को 3 बार से ज़्यादा समय के लिए उठना पड़े, 3 बार से अधिक, उसको भी बोलेंगे हम कि इसको ये अच्छी नींद नहीं है। या नींद से उठने के बाद अगर 20 मिनट के अंदर वापस नींद नहीं पड़ती है उसको भी हम बोलेंगे ख़राब नींद है। इसी तरह से अगर सुबह उठ के जब नींद से उठते हैं उस वक्त महसूस हो हमें कि हम अच्छे से नहीं सोए, हमें ताजगी महसूस ना हो, तो वो नींद भी ख़राब नींद कहलाई जाती है। और इन्हें हमारे कामकाज में उसे फ़र्क पड़े, जैसे दिन में सुस्ती रहे, हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाए, हमारा जजमेंट कम हो जाए, कंसंट्रेशन कम हो जाए चीज़ों को सोचने के बारे में, तो इसका मतलब हम अच्छी नींद नहीं कर रहे हैं। तो कम नींद आने की अवस्था को इंसोम्निया बोलते हैं। तो इंसोम्निया के जो लोग हैं, जो लोग जिनको, यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसोम्निया होता है जिनको नींद खराब आती है, जिनको नींद कम आती है, लेकिन एक और चीज़ है उसको बोलते हैं इंसेप्शन स्लीप सिंड्रोम। अगर हम जानबूझ के कम नींद करेंगे उसको इंसेप्शन स्लीप सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे हम खुद ही रात को लंबी देर तक टीवी देखें, पार्टियां करें, सोएं ना, उसको इंसोम्निया नहीं बोलेंगे। इंसोम्निया बोलते तब हम अगर नींद कम आएगी। तो जिनको नींद कम आती है, जिसका हमने अभी नाम बताया इंसोम्निया, इंसोम्निया के लोगों को अब उनका इलाज कैसे करें, क्योंकि इलाज नहीं करेंगे तो उनको लंबी देर तक इंसोम्निया रहेगी, नींद नहीं आएगी। तो उनमें ये सारे जो मैंने अभी बीमारियों के नाम गिनाए और भी ज़्यादा उनकी संभावना बढ़ जाएगी। तो हेल्दी रहने के लिए उनके इंसोम्निया का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इलाज कैसे करें, इलाज करते हैं या हम दवाइयों से, लेकिन इसमें हम बिना दवाई के भी इलाज कर सकते हैं। कोई ऐसे हम अपनी जीवन शैली में तब्दीली ला सकते हैं, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं ताकि दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, या ज़रूरत पड़े भी कम समय के लिए दवाइयां खानी पड़े जिन लोगों को ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। तो जो ये लाइफस्टाइल चेंज मैं बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन अगर हम अपनाएं, स्लीप हाइजीन अपनाने से एक तो नींद लंबी देर के लिए, ये जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है लंबी देर के लिए इसका इलाज हो जाएगा, दवाइयों की ज़रूरत, नींद की दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ने लगेगी। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो बीमारियां हैं उनसे हम फिर बच सकते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ या मैंने और भी ब्लड प्रेशर नाम गिनाए, उनसे हम बच सकते हैं। तो स्लीप हाइजीन क्या होती है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स में बताऊंगा। एक तो नींद रात को ही करें, दिन में जितना संभव हो
दिन में ना सोएं, लेट बहुत लेट आफ्टरनून में ना सोएं, अर्ली आफ्टरनून में 20 मिनट से 30 मिनट से अधिक ना सोएं। नींद से उठने का टाइम फिक्स रहना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स रहना चाहिए, यानी सेम सेम टाइम पे हम नींद से उठें भी और सेम सेम टाइम पे सोने के लिए जाएंगे हम। प्रेफरेबली ठीक रहेगा अगर हम सूरज के साथ साथ नींद से उठें और फिर सुबह उठ के एक्सरसाइज करें। सुबह का जो टाइम होता है उसमें एक्सरसाइज करने से बड़ा फायदा होता है नींद का, लेट इवनिंग, फिर जो शाम को अगले शाम को हम सोने जाएंगे इस मॉर्निंग एक्सरसाइज का उसमें बड़ा ही फायदा होगा। खासकर जब सुबह हमारी आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उसे हमारे अंदर जो हमारे ब्रेन के अंदर एक घड़ी होती है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक या मॉलिक्यूलर क्लॉक बोलते हैं, उसकी टाइमिंग सेट हो जाती है सुबह उठ के। और जब सुबह नींद से उठेंगे तो रोशनी, जिस कमरे में हम सो रहे होते हैं उसमें सारे पर्दे हटा के वहाँ पर ढेर सारी रोशनी अंदर आनी चाहिए, और खूब सारी रोशनी अंदर आएगी फिर हम अच्छा रहेगा कि अगर हम बाहर निकलेंगे भी, जैसे मैंने भी बताया कि सूरज की किरणें आंखों में जाने से ब्रेन की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी टाइमिंग सेट रहती है, तो उसी क्लॉक के मुताबिक हमारी बॉडी का जो सारा संचालन उसी से होता है। लिहाजा सुबह सूरज के साथ साथ नींद से उठें और वॉक पे जाएं। एक हुआ ये, शाम को मैंने कहा सोने का टाइम फिक्स रखना है, जो वो फिक्स रखेंगे टाइम वो प्रेफरेबली डिनर के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। ऐसा टाइम शेड्यूल रखना है कि डिनर फिनिश करने के 2 घंटे बाद हम अपने बेडरूम में जाएं, और डिनर स्किप नहीं करना चाहिए। भूखे पेट सोने से भी नींद में गड़बड़ी होती है, इसलिए हमें भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, तो लाइट डिनर हमें करना चाहिए और 2 घंटे का गैप रखना चाहिए डिनर फिनिश करने के बाद और सोने तक का। जब हम शाम को सोएंगे, लेटेंगे अपने बेड पे, उस वक्त ध्यान रखना है पिछले दिन के विचार मन में नहीं लाने हैं और अगले दिन के प्रॉब्लम्स को हल नहीं करना है। सोने से आधे घंटे पहले ही जो अगले दिन की प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करिए, उसके बाद बेडरूम में जाते वक्त अपने अगले दिन की प्रॉब्लम्स को मन में न लाने की कोशिश करनी है। ह्यूमन ब्रेन में इतनी ताकत है कि हम बदल सकते हैं अपने मन को, अपने विचारों को हम डायरेक्शन बदल सकते हैं। को पॉजिटिव थॉट सोचें उस वक्त, पिछले दिन का न सोचें, अगले दिन का न सोचें, एक बात हुई ये। दूसरा, किसी भी वक्त दिन में, इन ये जो नींद इंसोम्निया वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, ये दिन में भी और सोते वक्त भी इनको बड़ी एंग्जाइटी रहती है कि अब हमें नींद नहीं आएगी, अब क्या करें, अब हमें नींद नहीं आएगी, अब क्या करें, इसे नींद और भाग जाती है, क्योंकि एंग्जाइटी जब मन में किसी भी कारण से भर जाए इसे और नींद भाग जाती है। तो क्या करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपने मन को बोलना है ना नींद आए मैं जगी रहूंगी या मैं जगा रहूंगा, मैं होल लाइफ जगा रहूंगा, कोई बात नहीं। अपने मन को तसल्ली देनी है। ऐसी तसल्ली देने के बावजूद अगर 20 मिनट तक नींद नहीं आती है, 15-20 मिनट तक, तो उसी कमरे में करवटें नहीं बदलते रहना है, उठ के दूसरे कमरे में जाना है, हल्का फुल्का कुछ मनपसंद काम करना है, कोई कॉलेज का काम नहीं, स्कूल का काम नहीं, दफ्तर का काम नहीं, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं चलाना है, हल्का फुल्का मनपसंद, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी बुक, हल्की सी लाइट सी स्टोरी बुक पढ़नी है या मेडिटेशन करना है जब तक नींद लौट के नहीं आएगी। जब नींद आई फिर जाइए बेड पे, चाहे पूरी रात भर ऐसे ही करना पड़े, 20 मिनट के अंदर नींद नहीं आई तो उठ के फिर से निकल जाइए, जब तक कि अपने ब्रेन की घड़ी का टाइमिंग सेट हो जाएगा, नींद का जो मैकेनिज्म ब्रेन में है वो सेट हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता नींद वापस आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इंसान को रात भर नींद ना आए, सुबह देर तक बिस्तर पर ही करवटें नहीं बदलते रहना है, सुबह उठना है राइट टाइम से, चाहे रात भर एक मिनट भी ना सोए। ये वीकेंड्स पे भी ये प्रोग्राम ऐसे ही रखना चाहिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जिनको ये नींद का प्रॉब्लम है, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। ये तो सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बट पर्टिकुलरली नींद जिनको नहीं आती है। अब हम बात करेंगे जो हमारा सोने के कमरे का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट सही रहना चाहिए, वहाँ पर जो पर्दे होने चाहिए, जैसे वो पिच डार्क होना चाहिए, कमरा बहुत अंधेरामय होना चाहिए सोते वक्त,
तो लेकिन हम कभी कभी मोहल्लों में रहते हैं, कभी कभी के हर बार मोहल्लों में रहते हैं तो बाहर स्ट्रीट लाइट अंदर आती रहती है, इसलिए उस कमरे में हमें काले पर्दे रखने चाहिए ताकि बाहर की लाइट अंदर ना आए। इसके अलावा जो लोग जिनको नींद नहीं आती है और वो स्मोकर्स हैं तो स्मोकिंग टोटल अवॉइड करनी चाहिए, प्रेफरेबली शाम के इवनिंग्स में तो टोटल ही बंद करनी चाहिए। अल्कोहल अल्कोहल बिल्कुल बंद करना चाहिए, प्रेफरेबली इवनिंग्स में बंद करना चाहिए। कॉफ़ी कॉफ़ी तो लंच के बाद बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और 4-5 बजे के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोग अल्कोहल को यूज़ करते हैं नींद के लिए, नींद के लिए अल्कोहल ये इनिशियली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन को डिप्रेस करता है, लेकिन कुछ देर के बाद नींद पड़ी तो कुछ देर के बाद इसको एक्साइट करता है, इसलिए अल्कोहल अच्छा नहीं है नींद लाने के लिए। इसी प्रकार से जो मैंने कहा कॉफ़ी, जो मैंने कहा स्मोकिंग, जो मैंने कहा टी, इन सब से भी ब्रेन स्टिमुलेट होता है। हम चाहते हैं कि ब्रेन के वही नींद वाले हिस्से ही स्टिमुलेट हो, बाकी एक्टिव होने वाले जो बॉडी को एक्टिव करे वो वाले एरियाज ब्रेन के स्टिमुलेट ना हो, इन सब चीज़ों से वो वाले एरिया स्टिमुलेट होते हैं। इसलिए 4 बजे के बाद कोई चाय ना पिए, दोपहर के बाद कॉफ़ी नहीं पीनी है, अल्कोहल और स्मोकिंग टोटली अवॉइड करनी चाहिए, प्रेफरेबली इवनिंग में अवॉइड करनी चाहिए, ये इससे भी हमें बढ़िया नींद आएगी। इसी तरह शोर नहीं होना चाहिए कमरे में, तो अगर शोर हो, अनअवॉइडेबल शोर हो, होती हैं ऐसी कई लोकेलिटीज़, खासकर आजकल देखिए शादियां चल रही है तो जहां आपका कंट्रोल नहीं है तो हम कानों पे ईयर प्लग्स लगा सकते हैं, या फिर ये तो डिफिकल्ट है, ये चलन में नहीं है, आजकल एक कंसेप्ट आया है उसको बोलते हैं वाइट नॉइज़, कुछ मशीनें आती हैं जिनको वाइट नॉइज़ मशीन्स बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली उस मशीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यूज़फुल होती है उन लोकेलिटीज़ में जहां आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में तो फैन चलता रहता है, वही पर्पज़ सर्व करता है वाइट मशीन का। इसके अलावा जो दिन में हमें बेडरूम में बैठना नहीं चाहिए, बेडरूम में अवॉइड करना है, घड़ी नहीं रखनी चाहिए, अलार्म क्लॉक नहीं, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, वहाँ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वहाँ पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए, वहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। अब हाँ, अगर अलार्म क्लॉक रखेंगे ताकि जैसे कि आप सुबह अपने आप से नींद से न उठ पाएँ, लेकिन रात को नींद न आए उसकी तरफ बार बार नहीं देखना है, उसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं लेकिन उस घड़ी को बार बार उसकी तरफ देखिए नहीं, मोबाइल को बार बार उधर देखिए नहीं कि यार पता नहीं कितना टाइम हुआ, जैसे नींद आई तो उठ के बाहर फिर देखना पता नहीं कितना टाइम हुआ। ये बड़ा ज़रूरी है इन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती है, और बेटर रहेगा कि अपने रीच से मोबाइल को उसमें अलार्म सेट करिए आप, लेकिन अपनी रीच से दूर रखिए आप। इसके अलावा नींद आने के लिए हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के लिए आप यूट्यूब में जाके लिख सकते हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज फॉर इंसोम्निया, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम ये ना सोचें ये जो नींद करते हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है, नींद पैसिव चीज़ नहीं है, हम होल लाइफ एक तिहाई अपनी ज़िंदगी नींद में गुजारते हैं, तो कुदरत ने ये नींद फजूल में नहीं रखी है, इसका मैकेनिज्म है। ब्रेन हम रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, इनफैक्ट ब्रेन जो है ये मोस्ट एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी ये नींद में ही करता है, ये दरअसल क्या स्विच ऑफ करता है बाकी जो नर्वस एनर्जी बाकी बॉडी के लिए स्विच ऑफ करता है और हाउसकीपिंग करता है ब्रेन की। उस दौरान इसमें स्ट्रक्चर है, ब्रेन ब्रेन में नींद के लिए अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, अलग हार्डवेयर बना हुआ है, अलग फ्रेमवर्क बना हुआ है, इसका अलग इलेक्ट्रिकल फ्रेमवर्क है, अलग केमिकल फ्रेमवर्क है। तो नींद एक एक्टिव चीज़ है, ये पैसिव चीज़ नहीं है, ये रेस्ट वाली बात नहीं है, एक्टिव चीज़ है। ब्रेन का रख रखाव ही नींद में होता है ताकि बाकी 16 घंटे हमारा शरीर अच्छा चले। जब बाकी 16 घंटे शरीर अच्छा चलेगा, जैसे मैंने कहा नींद में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है, नींद में बाकी सारे ब्रेन में मैकेनिज्म सेट होते हैं, ब्रेन ही तो अल्टीमेटली संचालन करता है पूरे शरीर का, तो संचालन ठीक से होगा तो बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम स्लीप हाइजीन का
अच्छे से प्रयोग करें, खासकर इंसोम्निया वाले लोग, उनको अच्छी नींद आएगी और वो बहुत सारी बीमारियों से इस प्रकार से बच सकते हैं। थैंक यू।